तो भाई बात ऐसी है, मैं था अपने काम में बिज़ी, इसलिए इस वीडियो का इंट्रो मैं शूट नहीं कर पाया। अब भैया देखो, बात जाहिर सी है कि जिस काम में दाल रोटी मिले वो काम सबसे पहले हमें करना चाहिए, और वो मैंने किया। इंट्रो शूट नहीं कर पाया, इसके लिए मैं जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, इस वीडियो को देख करके आप ये डिसीजन बना लो कि ये बायस्ड है या अनबायस्ड है। उससे पहले मैं बता दूं, ये ज़रूरी है कि इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये बिल्कुल पता चल जाएगा कि अगर आपको हज़ार्ड फ्लैशर लगाना है तो कौन सा चूज़ करना है। और हाँ, ये दोनों ही मुझे ब्रांड्स अच्छे लगते हैं, और इनमें से एक ब्रांड मैंने पर्सनली लगाया है। अगर आप इस बेसिस पे भी इस वीडियो को देख रहे हो तो हाँ, ये जस्टिफिकेशन बिल्कुल सही है कि मैं ये पूरे अधिकार से बोल सकता हूँ कि मैंने जो ब्रांड लगाया है वो कैसा है। वीडियो को आगे देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वो कहाँ गया, फ्लैशर कहाँ गया? छोटू फ्लैशर देखो, ये सारा जूना वाला टूट भी गया है। ये लगा रहा अलग है ना, ये मैं देखा था यार इसमें, इसके वेबसाइट में भी। ये रॉयल एनफील्ड का भी आता है ना ऐसा? हाँ, 700-800 रुपये कुछ आता है, ये पुराना वाला है। तो ये अपना तो मेन क्या आज हाईलाइट यही है ना, फ्लैश लाइट। और यहाँ पे ये किसी कस्टमर की गाड़ी है, ये देख लो कौन सी है। ये इंटरसेप्टर है, और ये BS कौन सा मॉडल है, ये 4A6 है। इस पे अभी ये चीज़ लग रही है मेन, तो ये इसके लिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एक्स फ्लैश का, क्योंकि सिमटेक जब मैं सर्च कर रहा था, मेरे गाड़ी में वैसे सिमटेक लगा हुआ है, तो सिमटेक जब भी मैं सर्च कर रहा था तो ये वाला जो है, बताना बॉक्स एक बार, ये देखो ये एक्स फ्लैश है, हज़ार्ड फ्लैश मॉडल। तो ये सिमटेक ढूंढते टाइम पे ना मुझे ये वाला बहुत हाईलाइटेड दिख रहा था, यूट्यूब में हर जगह था। अभी इसमें 1+2 ईयर की वारंटी भी आ रही है, ये सारे फीचर्स है। देखो ये अभी इंटरसेप्टर पे इन लोग लगा रहे हैं, प्लग एंड प्ले ही है ना। हाँ, ये कौन सा, ये है सॉकेट है, टेल लाइट का सॉकेट है। अच्छा, तो भाई थोड़ा एडजस्ट कर लो, ऊपर ये फैन चालू है और माइक भी नहीं है, तो एडजस्ट कर लो, गर्मी बहुत है, फैन चालू रखना ज़रूरी है। ये स्टॉक वाला था ना, स्टॉक वाले पे ये वाला तूने लगाया इसका, ये ठीक है। तो इसमें बेसिकली टेल लाइट, अपना सिग्नल लाइट्स आ गए ना सबके, पीछे का दो और आगे का दो, खाली सॉकेट इसका निकालना है। हाँ, मेल फीमेल सॉकेट दिया, वो दोनों कनेक्ट करना है। हाँ ओके, तो ये ऐसे ही हवे में ही रहेगा क्या? नहीं, हवे में नहीं, इसको यहाँ टाई क्लिप चाहिए तो मार सकते। अच्छा, अभी फिटिंग फाइनली फिटिंग होती है, पहला टाई क्लिप मार देंगे। हाँ बस हो गया, इतना ही फिटिंग था उसका। इसका तो स्विच भी आता होगा ना कुछ, और इसमें LED बल्ब लगाने। गाइज एक और ये रीज़न पता है एक्स फ्लैशर का बताने का, मेरा रीज़न क्या है, शायद से बहुत सारे कस्टमर्स को ये चीज़ ना एक्स फ्लैशर सिमटेक से सस्ते में मिल जाएगा, बट सिमटेक इससे बहुत आगे निकल चुका है। वो बहुत सारे रीज़न्स है, सिमटेक में डेडिकेटेड एक स्विच आता है जो मेरे बाइक पे लगाया हुआ है, और उसको ऑन करते हुए एक्टिवेटेड हो जाता है, फिर गाड़ी ऑफ करके जाएंगे तो उसका मेमोरी है, लास्ट जो हम लोग ने इफेक्ट रखा था, याद है ना अपने फिटिंग के टाइम पे लगा था लास्ट ईयर, तो फिर जो याद रखता है वो मेमोरी में कि कौन सा हम लोग ने लगाया था। इसमें दिक्कत पता है क्या है, इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको ये करो, उसके बाद फिर ये जाके एक्टिवेट होगा, ये देखो, और फिर इसको डीएक्टिवेट करने के लिए फिर राइट करके बंद कर दो, ऐसा कुछ है उसका। राइट लेफ्ट राइट, हाँ हाँ। तो ये जो मतलब एफर्ट ले सकता है उनके लिए सही है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैं बुरा ही नहीं कर रहा ब्रांड की, ब्रांड अच्छी है, बट यहाँ पे क्या आ रहा है? तो वर्किंग कर रहे तो। अच्छा, उसमें लाइट जलता है फ्लैशर में। हाँ, तो ब्रांड की मैं बुरा ही नहीं कर रहा हूँ, बट ये क्या ना अभी भी ऐसा लग रहा है ना, शायद इसका पता नहीं अपडेटेड वर्जन आया होगा कि नहीं आया होगा, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट, बट अभी इसको एक्टिवेट करने के लिए राइट लेफ्ट राइट
तो ये अभी एक्टिवेट हुआ है। अच्छा ये देखो, ये मतलब चालू गाड़ी में एक तो 650 cc की गाड़ी है, ऊपर से ये हरकत का आदमी भगा रहा है और उसके बीच में उसको ये करना है टपर टपर टपर। उससे जो सिमटेक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाता है भाई, यहाँ पे मेरे गाड़ी में यहाँ पे स्विच लगा हुआ है, इसको दबाओ और एक्टिवेट हो गया, दैट्स इट। बंद करते टाइम उसको दबा के रखो बंद, मैं उसको बताऊँगा अभी। तो ये छोटा सा एक कंपेरिजन वीडियो जैसे ये समझ लो एक्सप्रेस का, नथिंग अगेंस्ट दिस ब्रांड, बहुत अच्छा ब्रांड है, बट थोड़ा सा अपग्रेड कर लो। मुझे पता नहीं है कि ये शायद से एक वर्जन पीछे है या इसका अपग्रेडेड वर्जन है या नहीं है, बट अगर नहीं है तो बना लो भाई, थोड़ा अपग्रेड कर लो। इसको एक्टिवेट कैसा करना है, फ्लैशर को राइट करके फिर लेफ्ट करके फिर दबाओ, फिर वापस से लेफ्ट राइट होगा तो फ्लैशर एक्टिवेटेड है, फिर उसको रिवर्स करो, बहुत झमेला है। मैं अभी सिमटेक का आपको बताता हूँ, सिमटेक मेरा जो फ्लैशर है वो कैसा काम कर सकता है। एक्स फ्लैशर वर्सेस सिमटेक या सिमटेक फ्लैशर वर्सेस एक्स फ्लैशर, ये वीडियो को समझ लो। और सो यहाँ पे मैं अभी आपको सिमटेक का आपको बताऊँगा कि सिमटेक का जो फ्लैशर है वो कैसे वर्क करता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपका लाइफ जो है ना वो ईजी कर देगा, स्पेशली वाइल राइडिंग यू डोंट हैव टू फोकस ऑन यू नो बटन लेफ्ट करो बटन राइट करो सेंटर करो उसके बाद फिर आपका फ्लैशर एक्टिवेट होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिमटेक ने क्या किया, एक बटन दे दिया है डेडिकेटेड फ्लैशर के लिए। फ्लैशर मेरा लगा हुआ है इसके अंदर, जो फ्लैशर उसका गैजेट है, बटन जो है वो यहाँ पे है, तो उसको मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको मैं जस्ट ऑन करने वाला हूँ और मेरा जो फ्लैशर है वो एक्टिवेट हो गया है। ठीक है, ये देख लेना, मैं सामने से भी आपको बताऊँगा करके, और बंद करते टाइम पर ये सिर्फ मेरे को दबा करके रखना है एंड दैट्स इट, फ्लैशर मेरा बंद हो गया है। ऑन करते टाइम क्या करना है, ये दबाना है बटन, मैंने दबा दिया, ये देखना। ठीक है, अभी ये जो इफ़ेक्ट है ना आप देख लेना क्या है, आप याद रख लो स्क्रीन को या पीछे करके भी आप देख सकते हो, ये इफ़ेक्ट देखना। मैं जैसे ही नॉर्मली मतलब ये बंद किया, मैंने ये बंद हो गया, मैंने गाड़ी बंद कर दी, चाबी निकाल दिया। ठीक है, अब चाबी वापस से डालने के बाद, ठीक है, इसका जो मेमोरी है वर्जन 6 में क्या करता है ना, वर्जन 6 में ये मेमोरी याद रखता है कि लास्ट आपका सिलेक्टेड पैटर्न कौन सा था। इसको मैं ऑन किया, ठीक है, अब सेम वही चीज़ मैं यहाँ से दबाऊंगा ना, देखना ये वापस से वही इफ़ेक्ट पे आ जाएगा। ये इफ़ेक्ट मैंने इसके लिए रखा है, मुझे ये बहुत पसंद है, तो ये पीछे से भी मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो। ठीक है, और एक और चीज़ है जो अच्छी बात है इसकी, वो ये है कि इसके जो लाइट्स है वो मैंने सिमटेक के ही LED बल्ब लगाए, इसके लिए ये इतना क्विक है, हैलोजन पे ये इतना क्विक काम नहीं करता बिल्कुल भी। ठीक है, तो सिमटेक का एक और यही चीज़ है कि जो वर्जन 6 फ्लैशर है इनका वो इसके लिए इतना ज़्यादा एडवांस है, उसका रीज़न ही एक मैंने ये बता दिया। लेकिन जो एक्स फ्लैशर था उसका ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसमें आपको जो है लेफ़्ट राइट ये दबाओ ये दबाओ उसके बाद ये बंद करो वापस से ये करो, ऐसा सब है। एक और चीज़ जो उसमें सिमटेक जिसमें आगे है वो मैं बताऊंगा कि मान लो आपका फ्लैशर यहाँ पे मैंने ऑन रखा है, लेकिन आपको अगर लेफ़्ट सिग्नल देना है लेफ़्ट में जाने के लिए तो आप लेफ़्ट दबा दो, आपका सिग्नल ये चालू रहेगा और देखना फ्लैशर बंद हो गया, फ्लैशिंग होना दोनों, लेकिन आप जब बंद कर दोगे यहाँ से ना ये दोनों वापस से चालू हो जाएगा। एक्स फ्लैशर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, मतलब वो अभी भी कई सौ सदी पीछे है इस मामले में, तो सिमटेक इस मामले में जो है मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो ये छोटा सा जो कंपैरिजन वीडियो है एक्स फ्लैशर का और वर्सेस सिमटेक कैसा लगा आपको ज़रूर बताना, और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी कमेंट पे बताना, एक लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि हम लोग ऐसे वीडियोस लाते हैं और आपको एंटरटेन करते रहेंगे, ऐसे ही जानकारी देते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।